तो विंस मैकमैन हो चुके हैं ऑफिशियली WWE से रिटायर। ये चीज़ विंस मैकमैन ने अभी से कुछ ही घंटों पहले अनाउंस की है। विंस मैकमैन की तरफ से हमें एक वीक देखने को मिला जहाँ विंस मैकमैन ने कहा कि भाई अब मैं हो चुका हूँ 77 years old और अब मेरे लिए टाइम आ गया है कि मैं रिटायर हो जाऊँ। थैंक यू WWE यूनिवर्स, देन नाउ Forever and together। तो ये विंस मैकमैन की ट्वीट थी और जिसके बाद से पूरा रेसलिंग वर्ल्ड एक तरीके से शॉक में भी है। और जिस हिसाब से मतलब अभी मैं ये ट्वीट देख रहा हूँ तो तकरीबन 3 लाख के करीब इस ट्वीट के ऊपर लाइक्स हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर इतनी जल्दी लाइक्स नहीं आते हैं। तो कितना ज़्यादा इम्पेक्ट विंस मैकमैन की इस ट्वीट ने जनरेट किया है कि मतलब एकदम, और अभी सिर्फ तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 11 घंटे ही हुए हैं इस ट्वीट को, तो इतना ज़्यादा रिएक्शन, और अभी और भी लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। कोई भी मतलब ऐसा रेसलिंग से रिलेटेड या नॉन रेसलिंग शो नहीं है जहाँ पर ये चीज़ डिस्कस ना की जा रही हो कि विंस मैकमैन इतने लंबे अरसे के बाद, और ये बात किसी से ढकी चुकी नहीं है कि आज रेसलिंग जिस मुकाम पर है इसमें विंस मैकमैन का बहुत बड़ा हाथ है। विंस मैकमैन ही वो हैं जिन्होंने WWE को स्टार्ट किया, WWE के एक ब्रांड बनाया प्रॉपर, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, कई बड़े पेपर व्यूज जिनकी वजह से रेसलिंग को विंस मैकमैन एक अलग ही लेवल पे लेके गए। अब जिस तरह विंस मैकमैन रिटायर हुए हैं तो डेफिनेटली इस तरह का रिएक्शन आना है तो लाजमी तौर पे यकीनी था। अगर मैं विंस मैकमैन के करियर के हवाले से बात करूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको विंस मैकमैन की सारी हिस्ट्री और अभी तक उन्होंने जो भी कमाल किए हैं उन सब के हवाले से बताऊंगा। लेकिन अगर ये एकदम रिटायरमेंट का फैसला है तो ये, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि एकदम ही विंस मैकमैन ने फौरन ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दी तो ये बात नहीं है। विंस मैकमैन ये चीज़ एक वीक पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विंस मैकमैन पर कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं और अभी रिसेंटली टाइम के अंदर विंस मैकमैन को जब उन एलिगेशंस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो विंस मैकमैन को CEO से हटा दिया गया था WWE की तरफ से ताकि ये इन्वेस्टिगेशन हो सके और उसके रिजल्ट के बाद ही विंस मैकमैन को दोबारा CEO बनाया जाएगा या जो भी उनके, अगर वो एलिगेशन सच साबित होते हैं या फिर गलत साबित होते हैं उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उन एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन का, तभी विंस मैकमैन के फ्यूचर के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विंस मैकमैन के ऊपर मज़ीद एलिगेशन प्रूव हो रहे थे और मेरा ख्याल से यही एक वजह बनी है कि विंस मैकमैन ने इस चीज़ को सामने रखते हुए, क्योंकि अगर अब ये एलिगेशन, क्योंकि अब विंस मैकमैन WWE से टोटली अलग हो चुके हैं, इसका अलग होने का मकसद ये, पहले तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि विंस मैकमैन अभी भी WWE विंस मैकमैन की ही है, ज़्यादा शेयर होल्डर विंस मैकमैन ही हैं WWE के। लेकिन अब विंस मैकमैन WWE से अलग इस तरह हुए हैं कि विंस मैकमैन अब WWE के किसी क्रिएटिव कंट्रोल के अंदर, किसी प्लान्स के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब प्रॉपर एक न्यू टीम होगी जो कि WWE को मैनेजमेंट होगी जो कि सारे WWE के शोज़ को मैनेज करेगी, सब कुछ, स्टोरी लाइन, सुपरस्टार, सब कुछ वही करेंगे। विंस मैकमैन इन चीज़ों से अलग हुए हैं, लेकिन शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा अभी भी विंस मैकमैन ही हैं। WWE अभी भी विंस मैकमैन की ही है। और जो एलिगेशन अभी रिसेंटली और चांसेस हैं कि मज़ीद एलिगेशन विंस मैकमैन के ऊपर लग सकते हैं, तो यही चीज़ वजह बनी है कि जिसकी वजह से विंस मैकमैन ने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया है। क्योंकि अब ये जो एलिगेशन होंगे ये सिर्फ विंस मैकमैन के ऊपर होंगे और इससे जो भी डैमेजेस या जो भी नुकसान होगा वो विंस मैकमैन को इंडिविजुअली तौर पर होगा, ना कि पूरी WWE को। क्योंकि जब विंस मैकमैन के ऊपर एलिगेशन लगे थे पहले तो उसमें पूरा WWE का नाम आ रहा था, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि WWE की जो मार्केट थी रेसलिंग के अंदर वो भी काफ़ी डाउन हो रही थी, और WWE के जो हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स और उसके अलावा जो WWE को एडवर्टाइजमेंट थी WWE की, उसमें भी इस चीज़ की वजह से काफ़ी नुकसान आ सकता था। और यही एक वजह थी कि विंस मैकमैन ने यह डिसीजन लिया कि अब वो WWE से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएँ। और ये सब चीज़ें सुन के, यानी कि विंस मैकमैन की रिटायरमेंट का सुन के, ब्रॉक लेसनर ने स्मैकडाउन को क्विट कर दिया था। हालांकि फिर वो मेन इवेंट में आए भी, ऑस्कर थ्योरी को उन्होंने अच्छे खासा मारा भी, लेकिन जैसी इनिशियली रिपोर्ट्स आई कि विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं WWE से, तो ब्रॉक लेसनर भी स्मैकडाउन को छोड़ के चले गए थे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन का ऐसा क्या रिलेशन है, तो ब्रॉक लेसनर हमेशा से विंस मैकमैन को अपने लिए एक फादर के तौर पर देखते हैं, और ब्रॉक लेसनर के लिए ये चीज़ जो है वो हजबैंड
ओवरकम करना इतनी इजी नहीं थी, कई रेसलिंग फैंस के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि विंस मैकमैन की बहुत बड़ी रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर विंस मैकमैन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सुपरस्टार्स जैसे जॉन सीना, अंडरटेकर, उसके अलावा जितने मतलब आप रोमन रेंस और रैंडी ओर्टन, ब्रॉक लेसनर, ये सारे वो सुपरस्टार हैं। ये पूरी कंपनी ही विंस मैकमैन ने बिल्ड की है और इसके अंदर इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हमने आज देखने को मिले हैं और जिनके हम लोग फैंस हैं, ये सब विंस मैकमैन का ही कमाल है। तो यही चीज़ मतलब जाहिर सी बात है, कई जो रेसलिंग के पुराने सुपरस्टार्स हैं जैसे कि अंडरटेकर, जॉन सीना भी इस चीज़ से जाहिर सी बात है थोड़ा सा अपसेट हुए होंगे, और यही चीज़ ब्रॉक लेसनर ने भी काफ़ी ज़्यादा फील की थी, और इस वजह से ब्रॉक लेसनर जो थे वो स्मैकडाउन की टेपिंग को छोड़ के चले गए थे और फिर वो वापस आए थे, और जिस तरह हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को मारा, तो वो सिर्फ वो लास्ट मिनट जो स्टोरी उनको मिली उन्होंने उस हिसाब से काम किया। बहरहाल दोस्तों, विंस मैकमैन के एलिगेशन के हवाले से तो अभी कोई रिसेंटली अपडेट नहीं आई है, सिर्फ यही अंदाज़ा है कि ये जो एक नंबर है ये कम से अभी मतलब एक एलिगेशन है, ये मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और ये आगे जाके विंस मैकमैन के लिए थोड़े से मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि विंस मैकमैन अब क्विकली WWE से अलग हो चुके हैं, तो ये चीज़ें WWE को इतना डैमेज नहीं करेंगी। और इस वक्त मैं बात करूं तो विंस मैकमैन ने अनाउंस किया था कि स्टेफनी मैकमैन जो हैं वो WWE के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और दो CEOs WWE के अंदर बना दिए गए हैं, एक हैं स्टेफनी मैकमैन और उनके साथ co-CEO हैं निक खान। अब निक खान को मुझे पता है कई लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि निक खान वही हैं जिन्होंने WWE की मार्केट को तो काफ़ी बढ़ाया, WWE को रेवेन्यू तो काफ़ी जनरेट करके दिया, लेकिन हमारे कई फेवरेट रेसलिंग सुपरस्टार्स को निक खान की ही वजह से रिलीज़ किया गया था, क्योंकि निक खान के मुताबिक वो लोग कंपनीज को इतना फ़ायदा, WWE को इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी रेसलिंग से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।